नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ समय SSNews.in मुंबई का लाइव और मैं हूं संत सिंह क्रांति। महाराष्ट्र की सत्ता हाथ से निकलने के बाद मुंबई बीजेपी ने अपना पूरा फोकस बीएमसी पर करने का निर्णय किया है। 2022 में बीएमसी के चुनाव है और वो अकेले लड़ेगी। वैसे भी पिछला चुनाव बीएमसी का बीजेपी और शिवसेना ने अलग अलग लड़ा था। शिवसेना को 84 और बीजेपी को 82 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। भाजपा दो कदम पीछे रही और बीएमसी पर सेना का कब्जा हो गया। मुंबई भाजपा और कमेटी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश, मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा व अन्य पदाधिकारियों ने भाग लेकर के बैठक में मुख्य रूप से सारा फोकस 2022 के मुंबई बीएमसी चुनाव में शिवसेना को सत्ता से बाहर करने पर केंद्रित किया। शिवसेना ने बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर किया। अब बीजेपी पहला बदला लेना चाहती है कि बीएमसी से शिवसेना को बाहर करने का। इसके लिए मुंबई के सभी 227 वार्ड अध्यक्षों के चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनाई है। भाजपा विधायक एवं प्रवक्ता राम कदम ने दावा किया है कि अगला महापौर बीजेपी का होगा। बीजेपी 2022 में बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने और शिवसेना को बीएमसी में बाहर करने पर दावा कर रही है, लेकिन गौर करने लायक भी यह है कि महाराष्ट्र में सत्ता की बागडोर इस समय शिवसेना के पास है। सत्ता पक्ष होने पर शिवसेना के लिए मुंबई की सीटों पर जीत का कितना असर पड़ेगा? हो सकता है शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस समझौता करके लड़े या अकेली लड़कर, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों में एनसीपी और कांग्रेस को साथ लेकर के महाराष्ट्र में सत्ता बनाई है, हो सकता है बीएमसी में भी ऐसा खेल खेला जाए। हो सकता है कि बात इसलिए करते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राजनीति में, मुंबई की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठेगा कोई कुछ भी नहीं कह सकता, मगर बीजेपी को भरोसा है और भरोसे पर दुनिया जिंदा है। इस कहावत के साथ आगे आगे गोरख जागे। आज बस इतना ही। देखते रहिए शुभ समय SS News मुंबई का लाइव।